कृषि गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू होने जा रहा है। कई दलों के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होंगे। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। आपको बता दें कि वर्तमान विधायक और सांसद भी बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी जल्द ही उन पर फैसला लेकर के पार्टी में शामिल कराएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी में कई बड़े नेता आज शामिल हो सकते हैं, तो आज ज्वाइनिंग कराई जाएगी कई बड़े नेताओं की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हलचल तेज होती हुई नजर आई और कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान अब शुरू हो चुका है। आज से बीजेपी में बड़े स्तर पर जो बड़े कद्दावर नेता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे अलग पार्टी के हो, वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जयपुर की अगर हम बात करें तो राजस्थान बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद रह सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है भाजपा की तरफ से। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी इसमें मौजूद रहेंगे। और देखिए, जैसे कि चर्चा अब तेज हो चुकी है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो ये देखना होगा कि क्या आज ही वो शामिल होते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना, राजस्थान बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और दोपहर 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सीपी जोशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो जैसे कि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आज बड़े स्तर पर बीजेपी में तमाम बड़े जो कद्दावर नेता हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, आज बड़े स्तर में जो तमाम अलग अलग पार्टी के वो नेता हो, चाहे बात कर ले समाजवादी, चाहे बीएसपी के, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और आज दोपहर 2 बजे तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जयपुर में, उसको लेकर के क्या जानकारी? जी देखिए, अमित शाह का दौरा है कल। अमित शाह राजस्थान में आ रहे हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में उनके कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बड़ी बैठक कल होने जा रही है। उससे पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने गए जितने भी नेता थे वो जयपुर लौट आए हैं। तो चर्चा इस बात पर ही है कि कौन कौन अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी का दामन थामने जा रहा था। सबसे बड़ा जो नाम है वो महेंद्रजीत मालवीय का चल रहा है। पिछले 3-4 दिन से सियासी गलियारों में दिल्ली में जाकर उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। उनका बीजेपी में जाना तय है, बस टाइमिंग को लेकर के सवाल है कि उनकी टाइमिंग क्या होगी ज्वाइनिंग की। क्या वो आज जो है पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर कल अमित शाह की मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामेंगे। उनके साथ में एक और नेता के जाने की खबरें हैं, वो है खिलाड़ी लाल बैरवा, जो कि सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, एससीआईयू के चेयरमैन थे पिछली बार, और अशोक गहलोत से उनका जबरदस्त विरोध रहा। वो संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे एससीआईयू को, जब नहीं दिया गया तो उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमले भी बोले थे। वो उन भी उनके साथ जा सकते हैं। तो दो नेता शुरू में जाएंगे, उसके बाद में जो अगला फेज है उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता जिनको कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य बता रही थी, उन नेताओं के भी बीजेपी का दामन थामने की खबरें हैं। बहुत बड़े नाम है और उनको कई सिटिंग विधायक भी हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे कि महेंद्रजीत मालवीय अभी एमएलए हैं, वैसे ही बहुत सारे वर्तमान के विधायक भी बीजेपी से संपर्क में हैं और कम से कम आधा दर्जन विधायक जो है वो पार्टी को छोड़ के और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कम से कम 1.5 दर्जन नेताओं पर बीजेपी की नजरें गड़ी हैं और कांग्रेस पार्टी के कम से कम 1.5 दर्जन नेता इस वक्त संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की कमर तोड़ देना चाहती है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको खत्म कर देना चाहती है। जहां जहां पर भी बीजेपी कमजोर है उस इलाके के मजबूत कांग्रेसी नेताओं को वो अपने पाले में लाकर मिशन 25 को पूरा करना चाहती है और हमेशा के लिए यहाँ पर अजय बनना चाहती है कि उसे कोई चुनौती ना मिल सके सूबे में। और इसी को ध्यान में रख करके बहुत ठोस तरीके से रणनीति बनाई है बीजेपी ने और जो जो भी जिस भी इलाके के बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको अपने पाले में लाकर बीजेपी अपने आप को बहुत मजबूत बना लेना चाहती है। बिल्कुल बाबूलाल, और आज का दिन काफी खास भी हो जाता है क्योंकि आज दोपहर 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब देखना होगा कई नाम चर्चा में है वो बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि आईटी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के खाते सीज करने के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। जयपुर सहित कई जिलों में आज धरना प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज अलग अलग जिलों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की खाते फ्रीज करने का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर के आज जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन करेगी। और ये भी अपडेट सामने आ रही है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के खाते फ्रीज करने का ये पूरा मामला है। जयपुर सहित कई जिलों में आज जो कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन करेगी और जयपुर में जो डोटासरा भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। तो डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस ने सुरमना नई बस्ती में पत्नी की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जंगल में छिपा हुआ था। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना अधिकारी ने बताया कि 10 फरवरी की रात को नई बस्ती निवासी दयालाल करीपा व उसकी पत्नी सीता ने शराब पी थी। वही शराब के नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। इस दौरान दयालाल ने पत्थरों से मार करके अपनी पत्नी सीता की हत्या कर दी। वही घटना के बाद मौके से वो फरार हो गया। इधर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वही आरोपी पति की तलाश भी की जा रही है लेकिन उसका कोई सुराग अब तक नहीं लगा है। इधर मुखबिर द्वारा आरोपी के सुरमना के जंगल में छिपे होने की जानकारी मिली है और पुलिस ने आरोपी को जंगल से गिरफ्तार किया है। इधर पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई है। आरोपी को किया गिरफ्तार। दिनांक 10 फरवरी 2023 24 को आरोपी व पत्नी दोनों। तो जैसलमेर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस विभाग के कार्मिकों द्वारा अपने कप्तान की विदाई को यादगार बनाने के लिए उन्हें सरप्राइज दिया गया और इस विदाई समारोह को शादी समारोह की तरह यादगार बना दिया गया। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कैसे कार्मिकों ने पुलिस कप्तान को दूल्हे की तरह साफा पहनाया और ढोल नगाड़ों के गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर बिठा करके उन्हें विदाई दी गई। तो झुंझुनू सहित शेखावाटी के बीते 3 दशक की मांग यमुना नहर को लेकर के हथनीकुंड बैराज से यमुना के पानी को लाने को लेकर के हरियाणा से डीपीआर के लिए एमओयू होने के बाद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। चिड़ावा सिंघाना सड़क मार्ग पर स्थित लाल चौक बस स्टैंड पर किसान सभा के बैनर तले चल रहा धरना 47वें दिन भी जारी है। किसान नेता विजेंद्र शास्त्री ने यह बताया कि किसान ने नहर कार्य को धरातल पर नहीं उतारने तक धरना जारी रखने का फैसला लिया है और किसान नेताओं ने ये कहा कि धरातल पर जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। शेखावाटी किसान आंदोलन का आज लाल चौक बस स्टैंड पर 47वां दिन है। इस 47वें दिन में सरकार हमारे आंदोलन को लेकर के एकदम सीरियस न होकर केवल जुमलेबाजी से काम चला रही है। ये जुमलेबाजियों से काम चलने वाला नहीं है। काम जब तक धरातल पे नहीं आएगा तब तक हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं तो मान्य करेंगे, क्योंकि हम 365 दिन का प्रण तो सीधे ही लेकर के बैठ गए हैं। तो कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी की मारवाड़ बस्ती तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहां सड़क तो बन चुकी है लेकिन नाले निर्माण नहीं होने के चलते सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर ही बहता रहता है और दर्जनों परिवार के लोग घरों में ही कैद होकर के रह जाते हैं। यहां न केवल गंदगी के चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां और संक्रमण का जो खतरा है वो भी अब बढ़ता जा रहा है। तो सड़क पर सीवरेज का ये पानी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर पानी भरा हुआ है। अब इससे बीमारियां भी फैल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि संक्रमण और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सड़क यहां पर देखिए कैसे इस पर पानी बिखरा हुआ नजर आ रहा है और यहां पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिनों में कई बीमारियां फैल सकती हैं। लंगर पाले वाला हमारे नहीं सुनते, हमारे लड़ने आता और कचरा कचरा आता और पानी भरे, हम कैसे निकले कैसे बैठे यहाँ।
कैसे खाना बना के खाएंगे, मच्छर काटेंगे उंडाला में हमें। ये कारण है कि हमारे नालियां छोटी छोटी बनाई नहीं तो रोड पे पानी आता है और गंदगी बहुत रहती है। अच्छा, तो सड़क पर दिन भर पानी? हाँ, दिन भर पानी रहता है और इतनी गंदगी रहती है तो बहुत ज्यादा। आपने किसी को बोला है पहले? नगर पालिका वाले बोले नहीं तो हमारी सुनाई नहीं करते। ये समस्या है बाबू जी की, एक तो ये निकाल नहीं रहे है पानी में, गंदगी ज्यादा होती है, मच्छर बहुत खाते हैं और ये जो बच्चे भी परेशान होते हैं और कभी इन नालों का निकाल नहीं होने में आपस में झगड़ा भी होता है, गंदगी ज्यादा हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है। सारे बस्ती वाले ये कभी नीमे है जो अंदर चली जाएगी और दिक्कत आ जाएगी मकानों में। पूरा पानी सड़क पे रहता है, रोड पे रहता है और ये मतलब नाली का निकाल ही नहीं है, नाली का निकाल ही नहीं है तो पानी किधर से निकलेगा। तो झुंझुनू के चिड़ावा में पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों से आए नन्हे खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 7वीं नेशनल स्टूडेंट्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल राजस्थान बल्कि दिल्ली व हरियाणा सहित अन्य राज्यों से आए 150 से अधिक नन्हे खिलाड़ी अपना दम दिखा रहे हैं। आयोजन समिति के सदस्य सावरमल मील ने बताया कि 2 दिन से चल रही इस प्रतियोगिता के विभिन्न मुकाबलों में ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेलों का प्रदर्शन दिया है, साथ ही स्थानीय खिलाड़ियों को भी मोटिवेट किया है। दिन भर चल रहे मुकाबलों में निर्णायक मंडल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा जीतने वाले खिलाड़ियों में खुशी तो हारने वाले खिलाड़ियों में मायूसी थोड़ी सी देखी जा रही है, लेकिन ताइक्वांडो कोच लगातार खिलाड़ियों को अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। स्टूडेंट नेशनल ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया, इसमें कम से कम 150 स्टूडेंट से ज्यादा भाग लिया जो अलग अलग स्टेट से आए और 15 से ज़्यादा स्कूलें यहाँ पर आई हैं कॉम्पीट कर रही हैं। ऐसे टूर्नामेंट से बच्चों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और उनके अंदर जो भावना है एक दूसरे से जीत कर आगे बढ़ने की वो होती है, और सबसे बड़ी चीज़ यही जो खिलाड़ी हैं जो बच्चे हैं यही आगे चलकर नेशनल्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स और फिर अपने देश का नाम भी बहुत ऊँचा ले जाते हैं, तिरंगा हमारा ऊँचा जाता है। तो हम ऐसे कॉम्पिटिशन्स पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि टैलेंट केवल पढ़ाई में नहीं है, खेल के अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है। तो भव्य और दिव्य ओम मंदिर, आपको बता दें कि पाली से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, सीएम भजनलाल शर्मा का आज पाली दौरा रहने वाला है और सुबह 11:15 पर जयपुर से सीएम रवाना होंगे, ओम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:30 पाली के जाजन में कार्यक्रम में शामिल होंगे, फिर 1:45 पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों की वो बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 2:45 पर स्थानीय कार्यक्रम में जाएंगे, इसके बाद जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम सीएम के हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या आज उनका कार्यक्रम पाली दौरे के दौरान रहने वाला है। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है, जहां आधुनिक शैली के अनेकों मंदिर हैं, कई मंदिर तो हजारों साल पुराने भी हैं। लेकिन पाली के जाडन में बने शिव मंदिर की चर्चा पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी हो रही है। ओम आकार में बने इस मंदिर की 19 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। वहीं मंदिर का हर कोना आकर्षण का केंद्र है। करीब 250 एकड़ में बना मंदिर सनातन के प्रतीक के रूप में है। इनमें प्रमुख रूप से यज्ञ वेदी जैसे 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन है। इस मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। 250 एकड़ में 4 मंजिला इमारत और 108 कमरे इस प्रकार बनाए गए हैं कि ओम आकार साकार होता है। ओम आकार के भव्य मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव का मंदिर है, साथ ही 1008 प्रतिमाएं भगवान शिव की इस मंदिर में लगी हुई हैं। शिव मंदिर के साथ 7 ऋषियों की समाधि भी यहां मौजूद है। साथ ही इस इमारत में 4 मंजिला स्कूल कॉलेज भी है। मंदिर की इमारत में नागर शैली का स्थापत्य है। विश्व का पहला ओम आश्रम और ऋषि निर्मित ओम आश्रम अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। विश्व में पहली बार ये ओम इमारत देखने को मिल रही है। हम सभी को स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज ने
इस ओम की कल्पना जो की थी आज से 40-45 वर्ष पूर्व वो भी साकार रूप ले चुकी हैं। तीर्थ प्रेरणा श्री अलकपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज ने इसे मूर्त रूप दिया है। उन्होंने इसका सपना 40 वर्ष पूर्व देखा था, जब एक विदेशी पर्यटक ने उन्हें कहा कि भारत यात्रा के दौरान उसने ताजमहल को नहीं देखा, इसलिए उसकी यात्रा अधूरी रही। तब उन्होंने ओम आकार का एक मंदिर बनाने के बारे में सोचा और 23 जनवरी 1995 को जाडन के पास इसका शिलान्यास किया और लगातार अनवरत 28 वर्ष तक काम करने के बाद अब मंदिर ने पूरा ओम आकार ले लिया है। इस मंदिर में खास बात यह है कि आश्रम के निर्माण में धौलपुर का गुलाब बंसी पहाड़पुर का पत्थर उपयोग में लिया गया है। 10 फरवरी से शुरू हो रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश विदेश के सैकड़ों लोग आएंगे। उनके रुकने के लिए और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं तैयार की गई हैं। विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने आइडिया था कि एक बड़ा गांव बना देंगे ओम के रूप में, लेकिन वो गांव इतना बड़ा था कि वो तो 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। तो इसको धीरे 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 हम नक्शे बनाएंगे छोटे छोटे छोटे, तो फिर ऐसे एक महल बन गए। ओम हमको पता था कि ओम बनाना है बनाना था, लेकिन मंदिर कैसे बनाना है तो पता नहीं था कि हम विदेशी है, विदेशी में मंदिर अलग तरीके से बनाते। तो हम ढूंढ रहे थे सोमपुरा को, क्यों सोमपुरा जानते हैं किस तरीके से मंदिर बनाते, और एक चेतन राजी सोमपुरा था वो बेंगलोर का, बेंगलोर से वो नक्शा बनाया सबारी का, और ये देखो से वहाँ से लेके आए हैं अभी लोग तक है वहाँ पर सारे संसार के अंदर बाप जी की, और हमारे जितने भी हमारे भारत के हैं उनको मैं इसको बनाया है। इसको क्या क्या बनाया कि वो एक ही बनाया। इस मंदिर को बनाने के लिए स्लोवेनिया से आए इंजीनियर व आर्किटेक्ट स्वामी योगेश पुरी की देखरेख में तैयार करवाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें विदेशी होने के चलते मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। उनके हाथ मंदिर के नक्शे बनाने में एक्सपर्ट सोमपुरा का साथ लिया और से ज्यादा नक्शे बनाने के बाद इसे फाइनल किया था। इसके बाद बनाने में 28 वर्ष लगे और उन्हें यहाँ आए 30 वर्ष से अधिक हो गए। इस मंदिर को इस तरह से तैयार किया गया है कि कितना भी तेज भूकंप या 200 से अधिक स्पीड से हवा चले तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा मंदिर वाटरप्रूफ होने के साथ इसको इस तरह से तैयार किया गया है कि सर्दी गर्मी में भी मंदिर के तापमान में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट। तो अलवर बीफ मंडी केस में बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि वन मंत्री संजय शर्मा अलवर पहुंचे हैं, रूंद गिदावड़ा और ब्रसंगपुर के बिहाड़ संजय शर्मा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एसपी सुरेंद्र कुमार सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है। संजय शर्मा की तरफ से ये कहा गया है गौमाता के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे, तो ये बड़ी बात संजय शर्मा ने कही है। वन मंत्री संजय शर्मा अलवर पहुंचे हैं और गौ माता के जो हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बीफ केस से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिस पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वन मंत्री पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि गौ माता के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। संजय शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है। रूंद गिदवाड़ा और ब्रसंगपुर के बिहड़ संजय शर्मा पहुंचे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जाब्ता उनके साथ मौजूद है और देखिए वो पहुंचे निरीक्षण करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि गौवंश के जो भी हत्यारे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो बीफ मंडी केस में ये बड़ा एक्शन, बड़ी जानकारी, जो दोषी हैं अब उन पर एक्शन होगा, ये वन मंत्री ने कहा है। हमारे जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया, कल यहाँ टीम भी आई आईजी साहब के नेतृत्व में, कल पुलिस ने काम भी किया, बहुत तरीके से दबिश भी दी जा रही है, मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। और यहाँ मौके पर आने पर मैंने देखा कि सरकारी जमीन पर बहुत बड़ी तादाद में खेती की जा रही है मुलजिमान द्वारा,
बिजली विभाग द्वारा आश्चर्यजनक बात है कि बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन दिए गए हैं, बोरिंग हुई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया गया, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, उन पे भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक चौकी यहाँ बनी हुई थी, वो किन्हीं कारणों से बंद है, अभी डिप्टी साहब मेरे साथ मौके पर हैं, मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से उस चौकी को शुरू करवाएं और उसमें कोई योग्य अधिकारी लगाए, और आवश्यकता पड़ी तो यहाँ पर और पुलिस फोर्स लगाई जाएगी। और जहां तक गोविंश मिलने की बात है, और दुखद विषय है कि पुलिस के कल सर्च अभियान चलाने के बाद भी यहाँ दो जीवित गोवंश मिले हैं जिनको अभी हमने छुड़ाया है। और मैंने अभी डिप्टी साहब को निर्देशित किया है कि यदि फोर्स की आवश्यकता पड़े, होमगार्ड्स जवानों की आवश्यकता पड़े, तो एक सर्च अभियान के माध्यम से जितने भी भेड़ हैं इसमें अपने जवान जाएं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं और गोवंश यहाँ छुपाए गए हों मुलजिमों द्वारा, तो मैंने आपको निर्देशित भी किया है कि यह एक सर्च अभियान चलाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहा है, क्या कुछ कह रहा है वो आपको सुनाते हैं। राइट है, आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्कि धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्कि धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। तो कल्कि धाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जहां पर वो अपना संबोधन दे रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।